असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम प्यारे बहन भाई उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बहन भाइयों आपने अमलियात को बहुत ज़्यादा पसंद किया तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अमलियात सीखने के लिए जो भी बहन भाई आ रहे हैं उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर थोड़ा टाइम लेट हो जाए इस तखारे में बहुत से माशा लोग हैं रोज़ाना के माशा एक हज़ार से भी ऊपर सब्सक्राइबर जो उनसे राबा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं तो आप अपनी बारी का इंतज़ार कर लें ठीक है हम टाइम तो एक दिन का देते हैं लेकिन थोड़ा इंतज़ार और कर लें परेशान ना हुआ करें आज का अमल हम अमलियात का बहुत बुलंद और खास अमल है परी के बच्चे की हाजिरी का अमल अमल हाजत के लिए भी है बच्चा आपकी हर बात जो भी पूछेंगे बताएगा किसी का भी आप पूछ लें उसके बारे में सही जवाब देगा सबसे पहले आसर की आदि से शुरू करते हैं जन्नत दो कदम पर है पहला कदम नफ्स पर रख दो दूसरा कदम जन्नत में होगा सुबह खान अल्लाह जन्नत हमसे दूर नहीं है सिर्फ हमने अपने नफ्स को मारना है अगर आपको लगता है कि कोई दौलत रिस्क पैसा उलाद ये सब चीजें दे सकता है तो बेशक जोन सा है अमल ना करें मांसुआ अल्लाह के कोई भी किसी को दे नहीं सकता बेशक आप किसी से भी मांगे सुवाय आप दुआएं ले सकेंगे लेकिन कोई ये ताकत इज्जत दौलत पैसा रुतबा मरतबा मांसवाये अल्लाह के कोई भी नहीं और अगर हम अपने नफ्स को मार देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम परेशानियों का हल उसी वक़्त हो जाता है आज का ये ख़ास अमल एक बहुत प्यारी बहना है उनकी फरमाइश पर है सबसे पहले ये अमल कैनेडा में एक बहन थी उसने किया था उसके बाद आज ये लाइव किया गया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बच्चा परी मोकल की हाजिरी हो गई है ठीक है और एक साल के बाद ये अमल आप तक पहुंचाया जा रहा है वो एक साल से उनके साथ ताबे हैं ठीक है और आप भी ये अमल करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हर बात भी माने और बताए भी और किसी के बारे में हाल पूछें तो वो भी आपको आगाही देगा शुरू करते हैं अमल की तरफ अमल वक्त हमेशा इशा की नमाज का ताकि सभी सो जाए शोर ना हो कोई परेशानी ना हो सिर्फ़ अल्लाह से तलक हो दिन जुमातुल मुबारक, किसी भी जुमातुल मुबारक को शुरू कर सकते हैं इसमें नौ चंदी जुमेरात की पकड़ नहीं है ना नौ चंदी जुमे की पकड़ है द्रोदे पाक ग्यारह बार नमाज लाजिम है अमल की तादाद 1250 सो मरतबा है अमल की तादाद 1250 सो मरतबा अब आपने पढ़ना कैसे है और से सुने इस नक्श को अपने हाथ पर बनाकर काली डोरी के साथ आप बांध लें काली डोरी ले उसके साथ नक्श को काले कपड़े में लपेटे या किसी कपड़े में लपेट कर काली डोरी से बांधकर अपने हाथ पर बांध लें क्योंकि परी बच्चा मोकल की हाजिरी आपके हाथ पर ही होने वाली है अब आप अपने हाथ की हथेली पर स्याह दायरा लगाएं काजल का काजल का स्याह दायरा लगाएं गोल दायरा लगाएं ठीक है मैंने अक्सर दफा आपको अंडे पर भी दायरा बनाकर दिखाया गोल और नक्शों पर भी बनाकर दिखाया गोल दायरा बनाकर उसमें काजल लगा लें चंबेली का यानी चम्बेली का जो तेल है थोड़ा सा काजल के अंदर मिक्स करके उसकी स्याही अपने हाथ पर लगा लें फिर ये अमल करें जब यह नक्श आपके हाथ पे बन जाए और स्याही लगा लें दिन भी मैंने बता दिया है टाइम अव्वल आखिर द्रोशी पढ़ना है पढ़ने का तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ ये लफ्स जो हैं अल्लाह के कलाम के ये तीन बार पढ़ने हैं या काबिज़ु ये 1250 सौ पचास मरतबा पढ़ना है पढ़ने का तरीका ग़ौर से सुने बेह के या काबिज़ु हाजिर शु हाजिर शो हाजिर शु एक दफ़ा पढ़ा या काबिज़ु 1250 सौ पढ़ा तीन मरतबा फिर से आखिर में ये पढ़ना है बिहक के या काबिज हाजिर शु हाजिर शु हाजिर शु फिर ग्यारह बार आपने द्रोषि पढ़ना है आखिर में ये अमल सात से ग्यारह दिन करना है अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके पास पूरी जिंदगी के लिए ताबे रहे तो फिर ये अमल 21 दिन तक करें अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हाजिरी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये अमल ग्यारह दिन करें ग्यारह दिन से ज्यादा ना करें क्योंकि आठ से नौ दिन में बच्चा हाजिर हो जाता है आपकी आंखों के सामने जाहिर होने लगता है और आप याद रखें अपनी आंखों को नहीं खोलना अपनी आंखों को बंद रखना है ठीक है जब आपको तीसरा दिन हो जाए तो जो अपनी हथेली पर सिया रंग का दायरा लगाया है उसमें देखना है याद रखें कि जो आपने हथेली पर सिया दायरा लगा है तीसरे दिन उसको गौर से देखना है उसमें चमक पैदा हो जाएगी और बच्चा मोकिल बच्चा परी का बच्चा हाजिर होना शुरू हो जाएगा कभी आएगा कभी जाएगा ठीक है ये अमल बहुत खास है और कोई भी आपको यह अमलियात नहीं सिखाएगा इसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा वरना आपको कोई फायदा भी नहीं होगा उल्टा नुकसान होगा ठीक है आपकी फैमिली आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए आसान अमल बताए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से कर सकें अब ये जो अमल है यहां से ठीक है या काबिजू से लेके और यहां तक ठीक है जिस घर में फाका कशी है चीनी के डब्बे में इस नक्श को रख लें पहले चतैर में चीनी रखें, फिर नक्श रखें, फिर ऊपर चीनी डाल दें, उस घर में कभी फाका कशी नहीं होगी अगर किसी के घर में जादू जिन्नात सफलीलम का मसला है बंदिश काली नजर का मसला है इस नक्श को डोरी के साथ बांध कर आप अपने पास रख लें अपने पर्स में रख लें जहां पर भी आपने जाना है कोई भी आपको हाजित है अमल हाजत भी है ये कोई भी अमल हाजत भी है आपको ये नक्श आपके साथ जब जाएगा आपकी तमाम हाजत पूरी होंगी बच्चा परी का बच्चा जो सा है इस नक्श के ताबे है याद रखें ये नक्श अगर आपके पास हुआ बेशक आपने ये परी को हासिल करने का अमल नहीं भी किया तो ये नक्श बसाप बनाकर अपने साथ रख लें सारी जिंदगी फते याब रहेंगे कोई आपके ऊपर जादू नहीं कर सकता कोई आप पर बंदिश नहीं कर सकता आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं घर में भी रख सकते हैं परस में भी रख सकते हैं एक बहन है जिनके पास औलाद नहीं है उनके जो मसला है वो कम से कम 11 साल से है तो औलाद के लिए इस नक्श को पहले तो इसका जो पानी में तीन दिन रखें एक गिलास पानी लें उसमें तीन दिन ये नक्श बनाकर रखें नक्श बनाने के बाद पानी का छिड़काव जो उन है वो चारों तरफ अपने घर में करें जब नक्श बाकी पानी में से जब नक्श निकालेंगी उसको थोड़ा सा खुशक होने दें खुशक होने के बाद उसको सुरख रंग की डोरी शादी के लिए और औलाद के लिए सुरख रंग की डोरी में बांधकर बांधने के बाद आप उसको फोल्ड करें फोल्ड करने के बाद उसको किसी भी घर में ऊंची जगह पर रख दें। शादी का मसला होगा तो, तो बेहिसाब रिश्ते आएंगे जहां आप पसंद करती हैं वहां पर अगर रोज़ाना तीन दिन आप ग्यारह सौ बारह सौ सो सॉरी पचास मरतबा या काबज़ू पढ़ेंगे आपका जो भी प्यार करने वाला होगा चाहने वाला होगा वो खुद आपके पास लौट आएगा और शादी का पैगाम भेज देगा अगर आप इस अमल को औलाद के लिए करते हैं तो उसका भी तरीका मैंने समझा दिया है और अगर आप इस अमल को शादी के लिए करते हैं मैंने उसका भी तरीका आपको समझा दिया है ये तमाम तरीके जो उनसे हैं बहुत आसान भी हैं लेकिन बशरते अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें ना के जादू टोने से ठीक है अब जब आपने शादी के लिए यह अमल करना है ना तो ईशा की नमाज के बाद यह काबे को बारह सो पचास पढ़े और डोरी के अंदर ये नक्श बनाकर डोरी के अंदर अपने बालों में भी लगा सकते हैं अपने हाथ पर भी बांध सकते हैं या अपनी किसी भी ऊंची जगह घर में रख देंगे ना तब भी रिश्ते बेहिसाब आएंगे और अगर आप पसंद के लिए करना चाहती हैं तो इसको बालों में लगाएं आपकी जहां पर भी जाएंगे पसंद की शादी हो जाएगी अगर फर्ज करेंगे आप किसी प्यारे को अपने पास बुलाना चाहते हैं अगर आप पाकिस्तान में हैं आपका प्यारा मुल्क से बाहर है इंग्लैंड है आ, अमेरिका है सऊदीया है दुबई है कैनेडा है बहुत बड़े बड़े ममालकों में है तो फिर आपने इसको हवा में टांग देना नक्श बांधना है इसके साथ इसको हवा में तीन दिन के लिए टांग देना है अगर उसने आपको ब्लॉक भी किया हुआ या आपसे नाराज भी हुआ फौरन आपको अनब्लॉक करके आपसे बात भी करेगा और हाजिर भी होएगा ठीक है अगर ये अमल आप खराब करते हैं या किसी तरह आपको समझ नहीं आती तो एक दफा मुझसे पूछ रहे हैं तो दोबारा वीडियो देख लें आपको समझ आ जाएगी ठीक है ये शादी के बारे में मैं बता रही हूँ ठीक है आपको बंदिश वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया हुआ है अगर कोई बात समझ नहीं आती तो एक दफा नहीं एक हजार मरतबा पूछे मदरसे वाले आपको लबैक ही बोलेंगे इसी के साथ इजाजत दें जजाकल्ला खेरा वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तिखारा या करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते, चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते था हैं तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तेम कर सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला